प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं जिले के नोडल अधिकारी आलोक कुमार ने विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों को समय के साथ एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने यूपी सिडको एवं आवास विकास के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिया कि ट्रैफिक व्यवस्था में और सुधार लाया जाए। प्रमुख सचिव ने लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि शौचालय का फोटो का 100% पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्युत विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ आम जन को समय से उपलब्ध हो। उन्होंने स्वच्छ पेयजल योजना, किसान सम्मान योजना, गन्ना मूल्य भुगतान, पुष्टाहार वितरण, नहरों के टेल तक पानी पहुंचाना, ODOP योजना, स्टार्टअप मुद्रा लोन योजना, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना, निराश्रित पशुओं के आश्रय स्थल का निर्माण, आयुष्मान योजना, निर्माण कार्य, नए सड़कों के निर्माण, सड़कों की गड्ढा मुक्ति आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के पश्चात गोरखपुरनी से बात करते हुए प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा, आज हमारे बीच में हमारे जनपद के सभी है, तो सर आपकी अनुमति से मैं बिंदुवासर शुरू करना चाहूँगा। आपको अलग ब्रीफिंग हुआ है ना? सर सर तो काफ़ी अच्छी प्रगति है। कुछ परियोजनाओं में जो है कुछ ऐसे बिंदु आए थे जिसकी समीक्षा के लिए हमने जिलाधिकारी को सुझाव दिए हैं, और मुझे आशा है कि जो काम अभी जिसमें प्रगति थोड़ी कमी है उसमें तेज़ी आएगी, और सभी अधिकारियों से विस्तार से समीक्षा की गई है। मैं कल सुबह जाऊंगा निरीक्षण करने।